Assalamualaikum, welcome to my channel and please subscribe my channel and press the bell icon ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके उसकी नोटिफिकेशन. ये मैं बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगी, इसकी मेरे को शॉर्ट भी नहीं बनेगी, शायद दो तीन मिनट की बन जाए. ये गोल्डन पर्ल की स्किन पॉलिशिंग है, आप इसके ऊपर देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें. ब्लीचिंग पाउडर है, प्रोफेशनल क्रीम डेवलपर, हेल्दी ग्लो स्किन शाइनर, परफेक्ट ग्लो फेशियल क्लींजर है और अल्ट्रा कमिंग सूथिंग लोशन और लास्ट में मॉइस्चराइजिंग मास्क है इसमें. ये जो लड़कियाँ पार्लर नहीं जा सकती घर में बैठे इजीली स्किन पॉलिश कर सकती हैं और बजट रेट में ज़्यादा महंगा नहीं है. मैंने 120 से 140 कितने का लिया था मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये ऐसे कब से पड़ा था तो मैंने ये कभी ट्राई भी नहीं किया. फर्स्ट टाइम देखूंगी कैसा लगेगा, लेकिन मैंने सुना इसका रिजल्ट अच्छा है. देखें इसमें इसकी डिटेल भी लिखी हुई कि इसको किस तरह लगाना, लगा के छोड़ देना है. तो मैं चले देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें. स्पंज, ये इसमें एक स्पंज है और ये कुछ पैकेट्स हैं. ये देखें क्या क्या पैकेट्स में. वाइटनिंग स्किन शाइनर है, गोल्डन पर फेशियल क्लींजर है, ब्लीचिंग पाउडर है, मड मास्क है, सूथिंग लोशन है और ये है ब्लीचिंग पाउडर. ये जो अक्सर हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं जो पार्लर नहीं जा सकती, फिर से पार्लर चली जाती हैं, लेकिन समटाइम बड़े जार होते हैं वो जो नहीं कर सकती, तो ये बहुत ईजिली घर बैठी है अप्लाई कर सकती हैं ये. अब आपने क्या करना है, आप एक कटोरी लेनी है छोटी सी, उसमें आपने ये चीज़ें ऐड करनी है. सबसे पहले तो आपने मॉइस्चराइज करना है, मॉइस्चराइजिंग की तरह इसको हम लास्ट में करेंगे. ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले तो आपने फेस पे अप्लाई करना है. मॉइस्चराइजर क्लींजिंग फेशियल लेंगे, मॉइस्चराइजर में लेंगे तो आप अगर आपके पास है तो आप कर लें, क्योंकि स्किन को सबसे पहले मॉइस्चराइज करने की बहुत ज़रूरत है. अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो अक्सर लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो वो कभी खारिश, कभी रैशेज, तो कभी कुछ ना कुछ होते रहते हैं. अगर आपको बैकग्राउंड से कोई शोर आ रहा है तो प्लीज़ सुन लें, मैं क्या कर सकती हूँ, इतनी बाइक्स वगैरह गुजरती हैं. चलिए जी, अब एक छोटी सी कटोरी में, मैं कटोरी ही नहीं बना रही दिखा रही आपको ना, क्योंकि मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकती. मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि आपने क्या करना है. आपने एक कटोरी लेनी है, उसमें सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर डालना है. ये देखिए ये ब्लीच पाउडर है, ये ऐड किया उसमें. उसके बाद हमने ये डेवलपर उसमें ऐड करना है. डेवलपर के बाद उसमें जितना हमें फेस पे लगाना है उस अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब एक फेस पे लगाना है या गर्दन पे लगाना है. वैसे तो आई थिंक ये दो फेस पर आराम से हो जाएगा. अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप एक फेस पे भी कर सकते हैं, हाथों पाँव पे लगा दें तो आप एक ही बार में एक कर सकते हैं. अगर सिर्फ फेस पे अप्लाई करना है तो इसमें आपने हाफ हाफ यूज़ करना है, हाफ ये तो ये क्या सूथिंग लोशन हाफ ये ऐड कर लें उसमें, और ये है वाइटनिंग स्किन शाइनर हाफ ये भी ऐड कर लें. मतलब सारे आपने हाफ हाफ ऐड करने हैं और इनको उसमें निकाल कर कटोरी में अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है. उसके बाद आपने इसको फेस पे अप्लाई करके छोड़ देना है. कितना मिनट के लिए, देखिए इस पर लिखा हुआ है, इस पर 12 से 15 मिनट के आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है अच्छी तरह से. और उसके बाद आपने इसको 7 मिनट बाद साफ करके चेक कर लें. आप साफ 7 मिनट बाद कर लें, 10 मिनट बाद कर लें. इन्होंने साथ में स्पंज भी दिया हुआ है, देखिए स्पंज भी अच्छा है, तो आप इससे इसको साफ करके चेक कर लें कि आपकी स्किन के रिज़ल्ट क्या है. अगर नहीं तो आप इसने इसको 10 मिनट तक लगा के चेक कर लें, ठीक है. उसके बाद आपने इसको स्पंज से ही साफ कर देना है, ठंडे पानी से, साफ पानी से साफ करना है, साबुन यूज़ नहीं करनी है. उसके बाद लास्ट में आपने इसको लगाना है मॉइस्चराइजिंग मड मास्क, ये आपने लास्ट में अप्लाई करना है. ये लास्ट में आपने अप्लाई करके छोड़ देना है. इसके बाद कोई साबुन यूज़ नहीं करनी, फेस पे कुछ भी नहीं लगाना. चाहे 2-3 घंटे बाद साबुन यूज़ करें, क्योंकि हम ब्लीच वगैरह और फेशियल इस तरह की चीज़ों के बाद साबुन यूज़ नहीं करते फेस पे, ना ही चूल्हे के पास जाते हैं, रैशेज वगैरह हो सकते हैं. चलो जी, बस इतना सा ये रिव्यू था. आप लोग इसको अप्लाई करें, मुझे बताना कि इसका रिजल्ट कैसा है, क्योंकि अभी तक मैंने भी यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे इसके रिजल्ट के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है. लेकिन मैंने सुना था, मैंने रिजल्ट देखा भी हुआ है, हमारे घर में भी ये यूज़ हो चुका है, तो इसका स्किन काफ़ी ग्लो करती है ये और शाइनिंग भी करती है. लेकिन उसके बाद चंद दिनों बाद मुझे नहीं पता रिजल्ट ऐसा कैसा रहेगा. आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई करें और मुझसे अपने शेयर करें कि ये सब कैसा रहेगा. चलिए.